हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फी बनाने जा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट और दानेदार मार्केट की बर्फी जैसी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए और स्वाद भी बिल्कुल ऐसा कि खाते खाते पेट भर जाए लेकिन मन नहीं भरे और खाने का मन करे। इतना ज़्यादा टेस्टी है हमारी बेसन की बर्फी और एकदम सॉफ्ट और दानेदार मार्केट की बर्फी जैसी। तो चलिए बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें घी डालेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। और अब घी गर्म हो गया है तो हम इसमें एक कप बेसन डालेंगे और बेसन को डालकर एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बेसन को रोस्ट करते समय गैस को लो रखें, गैस लो नहीं रहेगा तो बेसन जल सकता है। फिर इसमें आधा कप सूजी डालेंगे और बेसन और सूजी को हल्का रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो सूजी और बेसन जल जाएंगे। और अब बेसन और सूजी दोनों रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हल्दी पाउडर के जगह येलो कलर का फूड कलर भी डाल सकते हैं, या बिना हल्दी पाउडर या बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। हल्दी पाउडर या फूड कलर डालने से केवल दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है और कुछ नहीं। तो हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और चीनी डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और बेसन, सूजी और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और पानी डालकर चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, लगातार नहीं चलाएंगे तो बेसन में लम्स आ जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। और मिक्स को लगातार चलाते रहें। और हाँ, एक बात का और ध्यान देना है कि बेसन को रोस्ट करते समय गैस को हमेशा लो टू मीडियम रखें। गैस तेज रहेगा तो हमारा मिक्स जल जाएगा और बर्फी में जलने का टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, हमारा मिक्स कढ़ाई को छूने लगा है, तो इसका मतलब है कि अब ये मिक्स बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसे गैस पर से नीचे उतार लेंगे और इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। और ये हमारा मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसे ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसे थाली या प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम ट्रे को घी से ग्रीस कर लेंगे, यानी ट्रे या थाली में अच्छी तरह से तेल या घी लगा लेंगे। और ये देखिए, मैंने ट्रे में अच्छी तरह से घी लगा लिया है। तो अब हम मिक्स को डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब ये बराबर हो गया है तो हम इसे जमने के लिए फ्रिज में एक घंटा के लिए रख देंगे। और अब एक घंटा हो चुका है और ये देखिए, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब हम बर्फी के शेप में इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से कट रहा है। और अब सारे बर्फी को कट कर लेंगे इसी तरह से। और इस बर्फी को बिल्कुल मार्केट वाली लुक देने के लिए हम केसर से टीका लगा लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा केसर को दूध में डाल के रखा था, उसी केसर से टीका लगा रही हूँ। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है हमारा बर्फी। क्या कोई इसे देख कर बोल सकता है कि ये घर की बनाई हुई बर्फी है? बिल्कुल मार्केट की बर्फी लग रही है हमारी ये बर्फी। और खाने में तो मार्केट के बर्फी से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार इस बर्फी को जरूर बनाइए, ना इसमें झंझट है और ना ही कोई मेहनत, और फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है मिनटों में, वो भी घर के सामानों से, सिर्फ आधा कप सूजी और एक कप बेसन से। एक बर्फी को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बर्फी का टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी बेसन की बर्फी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए
फिर हम एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।